नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईबी विजेंदर सिंह रूरल लोन के मालूम बा कि अभी गांव में बानी। और आज रूरल लोन के एगो विशेष चीज़ बताएं कि हम बहुत अच्छा खाना भी बनावे नहीं, पार्टी वाला चाहे आपस में पार्टी करनी सन तब बनावत रहनी। तो आज गांव के सबसे प्रसिद्ध मछली सिंघी, गरई आ टेंगाड़ा आ पाटिया होला। जिंदा में गरई कहल जाला, लेकिन गरई ज़्यादा लोग खाला ना। और जौन सिंघी होले वो मैं जानते नहीं, दुनिया से बिक होला, और अगर टूढ़ गड़ जाए नू तो साला बहुत मिच्छी जैसन टूब के ला। तो आज ले कैल बनी सिंघी, टेंगड़ा और पटिया, ये दोनों तीनों मछरी कीचड़ में रहली सन। और एकर कहल जाला कि एमे खून बनावे के शक्ति ज़्यादा होला। तो जे मांसाहारी ना खाला वो तो भाई खीर खाओ, लेकिन आज मांसाहारी चीज़ खातिर मछली ले कैल बनी हम। ई मछली हमेशा डॉक्टर भी कहेला ब्लड बढ़ावे खातिर या ताकत खातिर, सिंघी मछली और पटिया मछली। तो आज लेके आइल बानी, आज उकरा के बनावे जा रहल बानी। तो लोग के देखाओ तनी कि कैसे बनावे नहीं। तो आज भोजपुरी में सिंघी रेसिपी देहाती स्टाइल में बीआईबी विजेंदर सिंह के तरफ से देखी। तो चली तई रहल मछली, एमे हल्दी आ नमक डाल के एक खूब नीमन से मिलावल जाए। हल्दी ऐसे डाला जाला कि हल्दी डालला के बाद मछली के कितनों समय तक, यानी 4 घंटा 5 घंटा भी रख दें तो ख़राब ना हुई। कहे तो हल्दी एंटीबायोटिक है और ये पुरातन जमाना से ही आ रहल बा। पहले तो हमनी के सिलवट पर हल्दी पीस के रखात रहे, लेकिन अब तो पाउडर ही होता। आ नमक ऐसे डाला कि जब मछली ऐसे ही सूखल खाए के होके तो उन्हें थोड़ा सा टेस्ट होके। तो हल्दी नमक डाल के मछली तैयार बा। अब का हुई कि एकरा के तेल में डालल जाए। अब तेल जब तक पूरा गरम ना हो जाए, उनमें से भाप ना निकले लगी, तब तक मछली के डलाई ना। अब तेल गरम हो चुकल बा, मछली उठाए और एमे डाल दिया। एक बार में मछली ना तराई तो एकरा के थोड़ा सा ही करके हिला दिए कि मछली धरे मत, कहे तो लाग जाला मछली कभी कभी तो उल्टे के बेरा बहुत दिक्कत आवेला। तो एकरा के तनी, और ये देखिए जौन हमने के चूल्हा बा जुगाड़ पर बनल बा, 5 लीटर के जौन गैस सिलेंडर है ओकरा के काट के और एकरा के आँच वाला चूल्हा बनावल बा जौन गाँव में चलेला। और मछली एक तरफ जब लाल हो जाए तो ओकरा के पलट के अब दूसरा तरफ भी लाल कइल जाए। तो तनी पलटे में आराम से कहते छिटकेला और इस शरीर पर भी आवेला, जैसे दगाए के डर रहेला। तो तनी सु दूरे बैठी कहे तो इस सब मछली बा, बरारी मछली बा, सब बड़ा फटेला। एक तरफ देखी लाल हो चुकल बा, अब दूसरा तरफ एकरा के लाल कइल जाए। आ जब लाल हो जाए तो एकरा के निकालल जाए। तो देखी अब खौलता है, लाल हो रहल बा, अभी दोनों तरफ लाल हो चुकल बा, यानी अच्छा से तेल में तर चुकल बा, यानी कि तराइल कहल जाला, तरा गई बा, कहते नहीं लाल। अब एकरा के निकाल के प्लेट में रख दिए, रखा गई। एकरा के ऐसे भी हमनी के सूखल खा सकते नहीं सन, जो तराइल मछली बा एकरा के भी हम लइकाई में हमनी के लेके दौड़ दौड़ के खाते रहनी सन। और अभी भी लोग खाला, एकरा खाए के चाहिए। एकरा के लोग थोड़ा सा देसीला भाव में कहीं तेगर ये ताड़ी दारू के जमाना बा, मिलत तो बिहार में नहीं है लेकिन होम डिलीवरी तो हर जगह बा। एकरा के चिखना में भी लोग यूज करेला। फिर ना जोन बचल मछली बा, कहते एक बार में तो भइल ना, कहते तेल ज़्यादा लगी, तेल कम लागे खातिर एकरा के 2 बार में कर जाए। सेम वही परिस्थिति एकरा के सबके मछली को डाल के आज थोड़ा सा लेकिन डाल दिए जो बचल मछली ऊपरों को हम डाल दें। अब एकरा के थोड़ा सा हिला दें, कहे तो नीचे सटते मत। सट गई ना तो बहुत दिक्कत करी, उधर जाए खलरादा जाए। अब देखिए दही भाई मसाला, ये मसाला में सरसों मसाला जो होला में सरसों होला, लाल मिर्च होला, उनमें तारा सरसों का मसाला मछली के ठीक है। अब देखिए पाक गई बा, अब जब ये पाक गई एकरा के निकाल के अब रख दिए। तो हम मसाला के बात करते हैं।
देखिए मैं सरसों के मसाला अभी फोरन हो सरसों आ मरचा डाल देने एकरा के लाल होकर दी अपना अनुसार मरचा तनी टेस्ट तो ज़्यादा खानी तो एक बढ़ा भी सकतनी न तो हम के तनी सब मरचा कम खाता नहीं सही करिए तो लाल मरचा कमे खाए के चाहिए इसे कम डाल ले बनी। अब ये मसाला उठाएं अब जब लाल हो गए सरसों तो अब ये मसाला को डाल एक एक बार में मत डाली तो जो भाप निकल पाई हाथ जरा सा डाल देनी मसाला। अब एक मिलावल दी तो मिलावल दे कि नीचे लागू मत एकरा के पकावल दे जब तक पाक के एकदम लाल ना हो जाए तब तक एकरा के पकावे के थोड़ा सा पानी मैंने टमाटर डाल देनी ऐसे तो काट के करके टमाटर डाल दी लेकिन देसीला स्टाइल में रोड कर डाल देनी। अब जो मसाला प्लेट में बच गए रहे खंघार के डाल दे अब एक पकावल दी करीब 10-15 मिनट तक एक खूब नीमन से हिला हिला के पकावल दी। अब एमे से मसाला के बारे में बता दी कि एमे धनिया बा हल्दी बा एमे धनिया के मात्रा हल्का हल्दी बा सरसों के बा सरसों पियारा सरसों मिले तो बहुत अच्छा ना तो करियो को सरसों चल लेकिन पियारा सरसों में मछली अच्छा होला सरसों बा और एमे तारा लहसुन बा और एकरा के सब मिला के पकावल जाता। देखिए अब ये पाके लगल लाल होके लगल और मुँह में पानी भी आओ देख देख के अभी पूरा पानी नहीं चले आओके ना अब हमने के गांव में जानते नहीं कहावत हो रहा था कि मछली तनी से नीमन से पका आ ना तो बगल में पड़ोसी पता चले कि पटीदार रोटी लेके बैठल होके आ महक महक के खा ले। अब देखिए एकदम मसाला पाक गई बा एक चलावत रह कि नीचे सटे मत आ खूब नीमन एक से लेकिन दानेदार हो रहा है मसाला मुँह में तरह तरह पानी आ रहा है। पहले नू हमने के मछली गांव में बनाओ सन इया हुआ दादी उदी तो कह सके तनी दुबारा जाके जो तो देख तो महकत कि ना अगर महके लागल मछली तो बूझ जा कि मछली बन गई। तो ये मसाला देखिए मसाला जितने पकाए ना उतने कोनो भी चीज़ अच्छा होगा। गाँव में कहत बनू तेल बनावे तिया ना पतहू के ना कहते नहीं कैसन हो गई बा कहे तो तेल आ मसाला से तो बनेला लेकिन कहिए कि बीआईबी विजेंद्र सिंह बड़ा नीमन मछली बनावेल बनावे नीमन मीट बनावेल तो पतोहिए बड़ा नीमन बनावती है नोकी जो नाइल दिए तो पुरानकी नीमन बनावेल तो हौ चाची बड़ा नीमन बनावेल लेकिन तेल आ मसाला दे तरह तबे बनावता आ तेल मसाला मत दे ना तो देखो ना कि उनकर नानियो ना बना पोहिए तो ये मसाला पकाव तनी देखो तनी एकदम दानेदार अब तो मन को चट से उठा के खा ले हम जाए। अब जब ये पाक गई तो एमे पानी लेके हमें डाल दिए पानी अपना खाए अनुसार डाले कितना तोरी रखे के चाहते हैं तो ये थोड़ा कम बात एक कटोरा और हमने के पानी डालम सन कहे तो तनिचू भातों पर खाए के बाद तनिचू तो चाहे नू तो अब एक कटोरा और अब ये हमारा काम लायक हो गई। अब एकरा के हिला के कहते तनिचू मिल जाओ पानी में और छोड़ दे जब तक खौले मत लगे एकरा के 5 मिनट 2-3 मिनट यानी 5 मिनट के अंदर ये खौले लगे। जब ये पूरा खौले लगे तब एमे का करे के बा देखिए खोल तनु चारों से बुझ बुझी पहले गोल गोल होला तब ये जो तरल मछरी बा अब एमे डाल दे आ डाल के थोड़ा सा एकरा के चला दें कि सब मछरी पानी में डूब जाए हम रस्से में डूब जाए ओकरा के अब छोड़ दिए कि जब तक पाक मत जाओ पाक मत जाओ जब पाक जाई तब तो एकरा के उतारे के बा तो जब ले पाक ना जाओ तब तक एकरा के अब देखिए पूरा ही खौले लगी जब खौल जाई तब तो एकरा के उतारल जाई मछरी का बनू कांच मछरी ना खाए के एगो और गांव में कहावत हो चूल्हा पर के मछरी उठा के मत खइ ना तो बियाह ना हो गांव में बियाह कम होता आ चूल्हा पर से मछरी खा लेब तो गांव में कहला कि बियाह हुआ ना हो तो बबुआ बचा के रही हो चूल्हा पर के मत खइ। अब हमारे रही मछरी देखिए एकदम जी हमें पानी होता खा के तैयार। अब एगो और गाँव में कहावत हो कि जब मछरी पाक जाओ तो हमें नजर लगेला तो एगो चूल्हा में से खोरनाठी उठाई एकरा से 3-4 जगह दाग दी ऐसे मछरी में नज़र उठा दी एक परंपरा हो चल होता हमू कहनी है कि रोड़ लोग के बता दी पुरान में रोड़ लोग गांव घर में देखत हो के मैं तनि गिरल एक हटा देनी तो ई बन के मछरी हमार तैयार हो गई रोटी पर भात आ मछरी खाए में और मजा आवेला लेकिन ये रोटी के साथ भी खा सकत
तो हमारी वीडियो कैसा लागल ह लाइक करी कमेंट करी ये बीआईबी विजेंद्र सिंह ब्लॉग पर एगो रेसिपी बनाओ। अगर ये वीडियो अच्छा लागल हुई तो ऐसा ही वीडियो लेके आवल जाई, मटन चिकन पनीर पालक पनीर तरह तरह के और भी बहुत सारा ब्लॉग बनावल जाई। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब नहीं कले सब्सक्राइब कर दी और जुड़ा रही, ऐसा ही बीआईबी के आशीर्वाद देते रहें। बीआईबी विजेंद्र सिंह पर भी हमार आनंद मोहन मा और भी सारा कलाकार के संग है फनी वीडियो आ रहा बा, ये ब्लॉग चैनल है पर ब्लॉगिंग आई। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही आशीर्वाद प्यार बनौले रखी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी, लव यू।